शुरू हो चुका है यूथ इन और यूथ आउट का खेल। क्या भविष्य के चेहरों को लेकर कंफ्यूजन में है कांग्रेस की रणनीति? नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 28। कांग्रेस के चहीते नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देवी, जितिन प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी और ललितेश पति त्रिपाठी जैसे नेता लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हार्दिक पटेल के बाद अब कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी की एंट्री होने जा रही है कांग्रेस में। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस आने वाले चेहरों को लेकर अभी कंफ्यूज है। आज की वीडियो में मुख्यतः हम तीन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला, कि आखिरकार कौन कौन से कांग्रेस के युवा नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते गए। दूसरा, क्या कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी की वाकई में कांग्रेस में एंट्री होने जा रही है। तीसरा, आखिरकार आने वाला कांग्रेस में लीडरशिप कौन बनेगा। जेएनयू के नारेबाजी से चर्चा में आए कन्हैया कुमार और गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस में चहीते युवा नेता कांग्रेस का साथ छोड़ने की होड़ में हैं, तो वहीं कुछ नए चेहरों की कांग्रेस में एंट्री होने जा रही है। राहुल के करीबी छोड़ रहे कांग्रेस का साथ। दरअसल कांग्रेस में युवा नेताओं को लेकर तब से सवाल उठ रहे हैं जब हाल ही के एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी या अन्य दलों का दामन थामते रहे हैं। जैसा कि अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि कांग्रेस के चहीते नेता कांग्रेस को छोड़ने की होड़ में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ नए आंदोलनकारी और नए नेताओं की कांग्रेस में एंट्री हो रही है। तो ऐसे में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस की रणनीति और राजनीति में, ये देखना बेहद ही रोमांचक होगा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में कुछ नई घटनाओं और कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।